यहाँ पर एक माता कांवरिया चलते जा रही है, ये देखिए। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। आप सभी भक्तों का स्वागत है एक बार कांवरिया पथ का एक और न्यू अपडेट के साथ, एक और नए नज़ारे के साथ। पूरा देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से गुजर रहे हैं, इधर दुकान चालू है और आगे का जो ग्रामीण क्षेत्र, भाई ये धोबई का ग्रामीण क्षेत्र होता है, इसके बाद तारापुर देखने को मिलता है। लेकिन इधर का क्षेत्र में देखिए लगभग काफ़ी दुकान चालू है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है ना, इसलिए। बाकी तो कांवरिया भक्त आते हैं, रुकते हैं, ये जो समय में देखने को मिलता है वैसा ही कुछ नज़ारा भी रहता है। अभी का नज़ारा देख रहे हैं जैसा है वो आप सभी तक पहुँच रहा है। भाई इधर का नहर में देख रहे हैं पानी जा रहा है, नहर में भी बहुत सारे जो है डुबकी लगा देते हैं सावन के महीने में। अब तक मैं देख रहे हैं शुरू करने के बाद, ये देखिए सुल्तानगंज से बाबा धाम की यात्रा में एक कांवरिया भक्त मिले हैं। मौसम तो बिल्कुल देखने धूप वाला ही देखने को मिलता जा रहा है, ऐसा ही कुछ नज़ारा है आप सभी तक पहुंचता जा रहा है। इधर का भी देख रहे हैं दुकान लगभग चालू है, सारे के सारे दुकान यहाँ पर चालू हैं। ये वाला देखिए, ये वाला खोले गए भाई, खोल कर तैयार है, लेके चले जाएंगे ये सभी, फिर आएंगे अगले साल सावन के लिए। लगभग 10 महीना अब ऐसा ही देखने को मिलेगा। आगे देखिए इधर का दुकान बड़ा वाला चालू है, मतलब कह सकते हैं कहीं कहीं चालू है तो कहीं पूरा एकदम भरा हुआ है, कहीं पूरा खाली है, ऐसा मतलब कांवरिया पथ का नज़ारा है, माहौल है। अभी भी देख रहे हैं कांवरिया भक्त रुके हैं, बहुत सारे अभी भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस क्षेत्र को दिखा रहे हैं, ये देखिए बांस वाले लेके जा रहे भाई, क्या बात है। कांवरिया भक्त भी देखिए देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए बोलबम का नारा है, महादेव का जयकारा है, खोल लिए गए सारे दुकान, कांवरिया भक्त है परेशान, क्योंकि अगर दुकान नहीं रहेंगे तो भाई परेशान तो रहेंगे ही, इसलिए कहना पड़ता है। वैसे तो लगभग लगभग दुकान रहते हैं और आप सभी को दिखा रहे हैं कि ऐसा नज़ारा है, तो देख रहे हैं कैसा आप सभी तक पहुंच रहे हैं। और ये देखिए इधर का भी दुकान चालू है भाई, अभी भी कांवरिया भक्त जो है 2-4 की संख्या में देखने को मिलते हैं। इधर वाला पूरा सुनसान हो गया भाई, तारापुर यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, मतलब 4 किलोमीटर पड़ती है जहाँ से हमने डिजिटल यात्रा को शुरू किया। और आगे बढ़ते जा रहे हैं, धोबई का ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँच रहे हैं, बस थोड़ा सा बचा है, शुरुआत तो कर दिए थे, मतलब मेन जो बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है वो थोड़ा सा आगे है। ओ महादेव, क्या आवाज है महादेव, देखिए सुनसान हो गया पथ, आज 1, 2, 2, 4 की संख्या में मिलते। बहुत सारे का सवाल रहता है कि अभी जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे या नहीं, सुरक्षित बिल्कुल रहेंगे। जहाँ पर आपको ज़रा सा भी डर और भय लगे तो महादेव को याद कर लीजिएगा, सारा डाउट सारा भय दूर हो जाता है, ये चीज़ देखा गया है। और वैसे जो है कांवरिया भक्तों के साथ वैसा कुछ छेड़छाड़ नहीं होता भाई, जो सालों भर चलते हैं उसका क्या होता है। देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर कांवर रखे हैं, इससे ये पता होता नहीं कि कांवरिया भक्त अभी भी रुके हैं, विश्राम में हैं, चलते हैं, जो सालों भर चलते हैं, जो सोमवारी यात्रा सालों भर करते हैं वो सब कैसे जाते हैं, उनको डर नहीं लगता, उनको तो सिर्फ और सिर्फ महादेव पर आस रहता है और चलते ही रहते हैं, क्योंकि भरोसा उन पर हो जाए ना एक बार तो फिर भाई सारी समस्या का हल हो जाता है। चलते हैं, देखिए ग्रामीण क्षेत्र का हाल अब ऐसा ही दिखेगा, बांधा हुआ, ये देखिए पेड़ की छाँव में, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये वाले दुकान वाले भी भाई साहब जा रहे हैं, आप नहीं रहेंगे ना दुकान वाले ज़्यादातर, एक दो ऐसा ही देखने को मिलेंगे। चलिए दिखाते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, आगे का नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पर कांवरिया भक्त भाई देखने को मिलते जा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा नहीं है, 3-4 की संख्या में है, ऐसा ही कुछ नज़ारा रहता है, देख ही रहे हैं कैसा माहौल है। और देखिए अब पहुँच गए हैं धोबई का ग्रामीण क्षेत्र में, क्या बात है भाई। और आगे जब बढ़ते हैं तो आगे भी देख रहे हैं 2-4 की संख्या में इसी प्रकार कांवरिया भक्त जो है मिलते रहते हैं।
थोड़ा सा और बढ़ते हैं, आगे भी देख रहे हैं दो चार की संख्या में निकल रहे हैं, और पूरा ग्रामीण क्षेत्र का देख रहे हैं नज़ारा कुछ ऐसा ही है। आगे तो और भी ज़्यादा देखने को मिलते जा रहे हैं। ये देखिए धोबई तारापुर पहुँच गए हैं, धोबई का क्षेत्र में, क्या बात है भाई। ये रहा धोबई तारापुर, और ये देखिए यहाँ पर चार की संख्या में है, ऐसा ही कुछ अब दिखता है। बस जो भी है आप सभी तक पहुंच रहा है। बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे ना कि जो है एक दिन वीडियो नहीं आता है, तो कहते हैं एक दिन वीडियो नहीं आया भाई, क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ सवाल आने लगता है। तो आप सभी के लिए आना पड़ता है कभी कभी। ये देखिए क्या बात, और बहुत सारे तो नंबर का डिमांड करते हैं, नंबर तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ से भी आप जाकर ले सकते हैं। और आगे चलते हैं, आगे का नज़ारा ये देखिए, जो आप सभी तक पहुंच रहे हैं ना, पेड़ की छाव में क्या देखने को मिल रहा है बांधा हुआ, ऐसा ही देखने को मिलेगा। महादेव का दर्शन यहीं करा देते हैं आप सभी को, जय श्री राम, हनुमान जी का भी दर्शन, क्योंकि भाई महादेव तो रास्ते में ही मिल जाते हैं, बस बाबा को जल चढ़ाने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है। ये देखे भाई हो गई ना पूरी की पूरी तैयारी, ये देखे पूरी तैयारी जाने के लिए, पूरा तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर देखे रुके हैं काफ़र के भक्त, अभी ज़्यादातर लोकल मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं दूर दूर वाले, लेकिन जो महिनवारी बम रहते हैं, जो सालों भर सालाना चलने वाले रहते हैं, वो लगातार चलते रहते हैं, चाहे दूर वाले हो या नज़दीक वाले हो, उनकी तो बात ही भाई अलग होती है। और आगे देख रहे हैं यहाँ पर भी ये देखने को मिलते जा रहे हैं, इस जगह पर देखिए बालू फिर से बिखर गया है, ऐसा लगता है कि फिर से जो है वही पिछले साल का ही अपडेट दिखा रहे हैं, पर अब बालू ऐसा ही रहेगा ना, जब बारिश होगी तो फिर जमता है, फिर बिखर जाता है इधर से उधर। देखिए ये सारा दुकान बड़ा बड़ा सब कुछ खोल के तैयार है भाई, क्या बात है। ये देखिए ओहो पहुंच गए हैं वही कांवरिया पथ पर, जहाँ पर ज़्यादा चौड़ीकरण देखने को मिलता है। इधर भी देख रहे हैं दुकान सारा खोले जा रहे हैं, इधर का भाई सब कुछ खोले जा रहे हैं, सभी के सभी दुकान खोले जा रहे हैं। ये देखिए इधर तो एक भी दुकान चालू नहीं है भाई। अब पहले से 90% 80% बताते थे ना, अब 50% हो गया भाई दुकान सारा, धीरे धीरे तो 30% हो जाएगा, लगभग 20% तो सालों भर चालू रहता है। ये देखिए यहाँ पर भी है ना, ये वाला एक चालू है, क्या बात है भाई। नज़ारे जो है आप अभी तक पहुँचा रहे हैं, कांवरिया पथ का बोलबम का नारा है, महादेव का जयकारा है। देखिए सुल्तानगंज टू देवघर यात्रा वाला कांवरिया पथ का क्या हाल है, सबके सब खोले जा रहे हैं। ये देख रहे हैं नज़ारे आप सभी तक पहुंच रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक माता कांवरिया चलते जा रही है। ये देखिए गर्मी हो या कुछ भी हो भाई, धीरे धीरे ऐसा ही चलते रहते हैं माहौल, कांवरिया भक्त इसी प्रकार चलते रहते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं एक दो की संख्या में रुके भी हैं कांवरिया भक्त, आगे भी देख रहे हैं चलते जा रहे हैं, वो देखने को मिलते जा रहे हैं। पहुँच चुके हैं भाई तारापुर, और यहाँ से आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो वो मिलेगा सरकारी धर्मशाला गोगा चक, जो कि भाई आप सभी को तो पता ही रहता है। देख रहे हैं इधर का तो रूट काफ़ी ज़्यादा भाई ख़राब हो गया है, देखिए बड़े बड़े कांवर लेके जा रहे हैं ना, ओहो भाई क्या बात है, ऐसा ही कुछ माहौल रहता है। अभी भी जो है कभी कभी धीरे धीरे निकल के जाना पड़ता है, क्योंकि खाली इतना है फिर भी। और देखिए पहुंच चुके हैं तारापुर का ये सरकारी धर्मशाला में, भाई क्या बात है। ये देखिए ये तो चालू ही है भाई, और चालू रहता भी है, और अभी भी चालू है। यहाँ पर रुकने ठहरने की सुविधा है, खाने की पीने के लिए दुकान है आसपास में, आगे पीछे तो वहाँ मिल जाता है। ये चौराहा रहा बजरंगबली मंदिर आगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, हर हर महादेव सभी भक्तों को तारापुर चौराहे से।